और इस वक्त की एक बड़ी खबर, संसद के विशेष सत्र पर सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है। विशेष सत्र में बिल ला सकती है सरकार, एक देश एक चुनाव पर बिल संभव। सूत्रों के हवाले से ये अहम जानकारी, यूसीसी पर बिल ला सकती है सरकार, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, महिला आरक्षण पर भी बिल संभव है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। आपको बता दें, आज ही संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी कि संसद का एक विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर के बीच बुलाया गया है। इस विशेष सत्र में 5 बैठकें भी होंगी। हालांकि इस विशेष सत्र को बुलाए जाने के फैसले पर विपक्ष लगातार सवाल भी उठा रहा है, लेकिन इस बीच आपको बता दें, जो बड़ी खबर मिल रही है संसद के विशेष सत्र पर, सूत्रों से ये बड़ी जानकारी आ रही है कि विशेष सत्र में बिल ला सकती है सरकार, एक देश एक चुनाव पर बिल लाना संभव। रविंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए, सीधा हम उनका रुख करेंगे। रविंद्र, और क्या जानकारी मिल रही है इस बड़ी खबर पर? देखिए कि एक तो ये 5 दिन का विशेष सत्र अपने आप में आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि विशेष सत्र होता है किसी विशेष चीज पर बात करने के लिए, और वो 1 या 2 दिन के लिए होता है। जैसे कि आपने देखा संविधान सभा के जो हुआ था उस पर एक विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन ये 5 दिन का विशेष सत्र है। माना भी जाए कि G20 की उपलब्धियों पर चर्चा हो सकती है, अमृतकाल के उपलब्धियों पर देश की उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन 5 दिन का, वो भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन की बैठक है। ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण बिल आ सकता है जो देश की जो सियासत है उसको बदल कर रख सकते हैं। वैसे में एक देश एक चुनाव, अगर ये बिल आ जाता है और ये पारित हो जाएगा, जैसा कि NDA के पास बहुमत भी है, ये हो जाता तो INDIA के जो गठबंधन के दल है उसके लिए काफी मुश्किल होगा, क्योंकि लोकसभा के लिए तो ठीक है कि आप BJP को हराना है या PM मोदी को हराना है, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव भी लोकसभा के साथ होगा तो क्या CPM ममता बनर्जी को साथ देगी या कांग्रेस CPM को साथ देगा? लालू यादव और नीतीश तो एक साथ हो सकते हैं, लेकिन अखिलेश और मायावती क्या साथ होंगी? क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ होगी? तो कहीं ना कहीं ये INDIA के गठबंधन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। अगर एक देश एक चुनाव जो बिल आ रहा है, जो सूत्रों के अनुसार ये बिल अगर आता है और जब पास हो जाता है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से सार्वजनिक सभाओं में भी कहते रहे हैं कि देश में बार बार चुनाव होने से, हर बार अलग अलग चुनाव होने से, कभी पंचायत का चुनाव, कभी विधानसभा का चुनाव, कभी लोकसभा का चुनाव, ऐसे में विकास की योजनाओं पर काफी प्रभाव पड़ता है, झटका लगता है। इस तरह देखते हुए अगर एक देश एक चुनाव, जैसा कि एक देश एक कर की बात करके GST लाया गया और सफलता से लागू किया गया, उसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन का अगर बिल आ रहा है जिसकी संभावना जताई जा रही है, तो ये INDIA गठबंधन के लिए काफी मुश्किल होगा और देश की सियासत को पूरी तरह से बदल देगा। एक अहम बात यह भी है कि इस फैसले के सामने आने के बाद से ही विपक्ष हमलावर है, खासतौर पर इस सत्र के टाइमिंग को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, और ऐसे में ये बात सामने आना कि UCC पर बिल ला सकती है सरकार, से क्या लग रहा है कि विपक्ष का क्या रिएक्शन हो सकता है एक देश एक चुनाव के बिल पर? देखिए, एक देश एक चुनाव पर विपक्ष, जाहिर सी बात है, वो कभी सहमत नहीं होगा, क्योंकि उसे काफ़ी मौका मिल जाता है। खासकर कांग्रेस अगर देखिए कि हिमाचल प्रदेश में अभी चुनाव जीते हैं, कर्नाटक में भी चुनाव जीते हैं, अगर लोकसभा के साथ होता है तो कांग्रेस के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। इन दोनों राज्यों में भी चुनाव होंगे, BJP के लिए काफ़ी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि 2022 में अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए हैं वहाँ से BJP को पूरी उम्मीद है कि हम जीत जाएंगे, या फिर गुजरात या फिर उत्तराखंड, BJP की ये 3 महत्वपूर्ण जो स्टेट है जहाँ पर पिछले सालों में चुनाव हुए हैं। कांग्रेस के लिए कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जहाँ पर चुनाव जीते हैं उनके लिए मुश्किल हो सकता है अगर इस तरह के चुनाव होते। दूसरी बात, UCC बिल, जैसा कि खुद BJP कई बड़े नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड में ये बिल अगर पारित हो जाता फिर हम उसको विवेचना करेंगे और तब लाएंगे। अगर 5 सितंबर को ये बिल उत्तराखंड विधानसभा में रखा जाता, पारित हो जाता है, तो हो सकता है कि ये भी बिल आ जाए, तो कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन या UCC, लेकिन संभावना वन नेशन वन इलेक्शन की ज्यादा दिख रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया रविंद्र जानकारी पहुंचाने के लिए, नजर आप बनाए रखेगा। Z News.